मेरा नाम राहुल टंडन, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जम्मू अर्बन। मेरे साथ जम्मू अर्बन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मनदीप सिंह जी, स्टेट सेक्रेटरी वरिंदर भाई, दिव्यांश भाई। आज हमने साइलेंट प्रदर्शन किया कांग्रेस ऑफिस के बाहर इस सरकार के खिलाफ, और आज हमने साइलेंट प्रदर्शन करने का हमारा मकसद जब था यही था कि हमने जब जब इसके सरकार के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन किया, हमारी आवाज़ को अनसुना किया, बल्कि जम्मू के युवाओं की आवाज़ को अनसुना किया। आज का हमारा मकसद ये था कि जो ये स्मार्ट मीटर्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं जम्मू में 80,000 और 35,000 कश्मीर से, इसका क्या कारण है। इरकान कंपनी को इन्होंने पहले टेंडर दिया था 1,700 करोड़ का, जिसमें 5 लाख मीटर लगाने की कमिटमेंट हुई थी और उसमें 1 लाख ही मीटर लगे, और जितना भी सामान उन्होंने लगाया, चाहे केबल्स लगाई है, चाहे कंडक्टर्स लगाए हैं, चाहे मीटर लगाए हैं, उनमें आग लगती है, वो बिल्कुल नकली माल है, उसकी जाँच की जाए। और जहाँ तक कोरोना की महामारी से पूरा देश गुजर रहा है और हम पूरा भारत एकजुट होकर, चाहे गरीब हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, सभी समर्थन कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी से पूरी देश को बचाया जाए, कहीं वहाँ ही जम्मू कश्मीर में यूटी करने के बाद सरकार अपने सारे कानून थोपने में पूरा कामयाब रह रही है और इस कोरोना महामारी में अपनी जाँच कर रही है, क्योंकि जम्मू के इनोसेंट लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनको पता है हम इनके साथ जो कुछ करेंगे जम्मू के लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर हम ऐसा हर संभव नहीं होने देंगे। एडवांस पेमेंट स्मार्ट मीटर्स हम नहीं इंस्टॉल होने देंगे किसी भी कीमत पर, हमें उसके लिए ज़ोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे सड़कों पर आना पड़ेगा, जम्मू के लोगों के लिए हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं।